भोजन की सेवा जो है इस बीच देखने को मिल रही है कि सिलीगुड़ी शहर में बहुत सारी ऐसे संगठन हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या फिर निजी तौर पर भी लोग लोगों की मदद कर रहे हैं आज के समय में, और घरों से खाना बना करके या फिर अपने एसोसिएशन से चंदा उठा करके बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। कोविड मरीजों के घर तक कहें या फिर जो लोग असहाय हैं, जिनके घर पर चूल्हे नहीं जल रहे या फिर जो गरीब है उनके घर तक भी भोजन पहुँचाया जा रहा है पके पकाया, और साथ ही साथ राशन की अगर हम बात तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी शहर के 6 नंबर वार्ड इलाके पर मौजूद हैं, और सबसे पहले ये पोस्टर हम आपको दिखाना चाहेंगे, गणतांत्रिक नागरिक अधिकार परिषद कमेटी और उत्तर बंगा शिशु शिक्षा और सुरक्षा अभियान के साथ साथ युवा माइनॉरिटी संस्था 6 नंबर वार्ड जो है यहाँ पर इनको सहयोग कर रही है। और हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष हैं नूरुल इस्लाम जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जो जानकारी है वो लेंगे। नूरुल जी, ये बताइए कि कितने दिनों से ये काम आप लोग चला रहे हैं? ये काम गया 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी हम लोग पूरा किए थे कम्प्लीट लॉकडाउन तक, और ये साल भी हम लोग लॉकडाउन में पूरा काम कम्प्लीट कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो लोग कोविड में मर गए हैं या जो लोग लॉकडाउन में बेकार हो गए खाने के लिए, बेरोजगारी के लिए बहुत अफसोस से परेशान हैं वो लोग, उन लोग को हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं, घर तक पहुंचा रहे हैं, और रास्ते में रोड में जो लोग बैठे हुए खाने के लिए दोनों तरफ बैठे हुए हैं खाना के इंतज़ार में, उन लोग को भी खाना दे रहे हैं। सबको हम लोग अच्छी तरह से जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कोविड में जो हम लोग का जो फ़र्ज है एक नागरिक के हैसियत से, वो फ़र्ज को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और इसमें जितने भी लोग हैं और जितने भी मानवीय मुख है और जितने भी सोशल वर्कर हैं और जो भी सोशल संगठन है, सबका इसमें अवदान है। हम लोग सब काम आगे बढ़ के कर रहे हैं, और इस काम के लिए हम लोग देश का इस कोविड में कोविड के साथ लड़ाई करने के लिए जो हम लोग का काम होना चाहिए इंसानियत का, इंसानी का, वो हम लोग कर रहे हैं हमारे संगठन के तरफ से। और हमारा जो 6 नंबर वार्ड का माइनॉरिटी संगठन TMC का, ये लोग भी हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रहा है। नौजवान कमेटी और इसके जो नौजवान कमेटी के जो हमारे यहाँ के इंचार्ज है वो भी हमारे सामने मौजूद हैं, वो भी हैं, वो भी कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पर जो युवा लोग हैं काफी उत्साहित हैं और इन लोगों के मदद से ही जो भी लोग हैं उन तक जाते हैं। ये बताइए कि फंडिंग कहाँ से होती है आप लोगों की और किस तरीके से कहाँ तक जाता है ये भोजन आप लोगों का? मैं तो TMCP माइनॉरिटी सेल का हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैसी है। तो हमारे नूरुल भाई है, वो फंडिंग उन्नी का वो लोग, और हम लोग से भी जो होता है हम लोग मिलाकर ही करते हैं। आपस में ही फंडिंग हो जाती है? NGO के तरफ से भी आता है और हम लोग आपस में ही और मिलाकर अच्छा, करते हैं। भोजन कहाँ कहाँ तक जाती है? भोजन हम लोग पूरे सिलीगुड़ी में, जैसे कोट मोड़, उसके बाद एरवी मोड़, कोविड परिवारों को भी, गरीब असहाय लोग को जाते हैं जी। रोजाना कितने जाते हैं खाने आपके? रोजाने 1000-1500 पैकेट पैकेट चला जाता है जी। एक टाइम देते हैं आप लोग या दो टाइम? हम लोग दो टाइम का हिसाब हो गया, जैसे 500-600 पैकेट है, 500-600 हाँ दो टाइम। और मेनू भी हम लोग अच्छा है, डीम है, क्या क्या बनता है मेनू में? बनता आज चिकन चावल बना है, और परसों बना था चावल डीम, अलग 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 तरह से। इम्यूनिटी के लिए जो जरूरी है प्रोटीन खाना, वो सारा चीज़ ही हम लोग आदमी को दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं जिससे इसको खा करके उसको फायदा ना हो या खाने का दिल ना करे, वैसा खाना नहीं। ऐसा खाना दे रहे हैं जिससे उसका पूरा दिल करके हाँ खाना सही मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, और इम्यूनिटी विटामिन एनर्जी के लिए अच्छा खाना दे रहे हैं। चिकन हो या डीम हो, इसी टाइप का जो हो, आगे भी हम लोग का मॉडर्न का है, सब अच्छा प्रोग्राम है हम लोग का। जो भी खिलाना है अच्छा खाना खिलाना है, जिससे कोविड की लड़ाई करने के लिए सबके शरीर में ताकत हो, इम्यूनिटी हो बदन में। तो किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन करते हुए, ध्यान में रखते हुए खाने को पकाया जा रहा है, अंदर यहाँ पर बन रहा है भोजन, तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सभी मास्क पहने हुए हैं और जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर अभी शायद मसाले कस रहे हैं, और साइड में अभी आप देख सकते हैं कि चावल वहाँ पर तैयार हो चुकी है, और पूरे अच्छे तरीके से जिस तरीके से भोजन बनता है वो बन रहा है, और ये तस्वीर लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी, अगर कोविड पेशेंट के घर वाले भी अगर खाना चाहते हैं या फिर कोई किसी को भी मदद हो तो हम इनसे एक चाहेंगे कि कोई एक कॉन्टेक्ट नंबर आप दे दीजिए। कर सकते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे मतलब हाँ। आपको बोल देंगे कॉन्टेक्ट नंबर जी 7430861536। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर कोविड पेशेंट किसी को भी जरूरत हो हम लोग खाना उनके घर तक पहुँचवा देंगे।
तो यहाँ पर ये काफी सराहनीय काम जो है 6 नंबर वार्ड कमेटी के जो भी युवा संस्था है उनके द्वारा की जा रही है। और ऐसी बहुत सारी सिलीगुड़ी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के कामकाज में जुड़ी हुई है। मानवता के नाते आप सभी भी इस प्रकार के काम जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेजुबान जानवर और पशु पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड से दीपचल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जिप्स निमोल।